क्या है आपके जीवन का महत्व? जीवन, मृत्यु, मोक्ष, सुख दुख, सफलता असफलता। आइए सुनते हैं श्री विवेक राज शिवहरे जी को और जानते हैं जीवन के महानतम सूत्र और रहस्यों को। गुफा लाइफ में आपका स्वागत है। नीरज द्वारा पूछा गया प्रश्न। जैसे बहुत से लोग जीवन में लक्ष्य बनाते हैं कुछ हासिल करने का, कुछ बड़ा करने का, जिससे भविष्य में सुख मिले, वैसे ही मैं भी बनाता हूँ, पर सब रखा रह जाता है और हाथ असफलता आती है। रोज कोई न कोई मोटिवेशनल व्यक्ति को सुनता हूँ कि मनोबल बना रहे पर कुछ कारगर नहीं है, भविष्य की चिंता, असफलता और दुख। क्या आप इनसे मुक्ति और लक्ष्यों की प्राप्ति के सही मार्ग के बारे में कुछ बता सकते हैं? नीरज, जो प्रश्न तुमने पूछा है, ये प्रश्न असंख्य लोगों ने जाने ही कितनी बार अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से, अपने गुरुओं से पूछा है। इस प्रश्न में दो चीजों की बात तुमने की। पहला तो लक्ष्य और दूसरा वो प्रेरणा, वो मनोबल, वो इच्छा शक्ति जिससे कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। ये दोनों ही बातें एक दूसरे से बहुत गहरे तल पे संबंधित हैं और इन दोनों को ही समझ लेने से तुम्हें तुम्हारा उत्तर भी मिल जाएगा। तो पहले बात करते हैं लक्ष्य की। तुम लक्ष्य के बारे में बात करते हो। लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्य परिभाषित करते हैं कि तुम अपने जीवन में कुछ करने की कामना रखते हो। लक्ष्य ये बताते हैं कि तुम अभी कहां हो और कहां जाना चाहते हो। लक्ष्य ये भी बताते हैं कि तुम अभी क्या हो और क्या होना चाहते हो। लक्ष्य तुम्हारे मन की वर्तमान स्थिति को परिभाषित करते हैं और जैसे कि तुम अपने भविष्य के लिए जो कुछ भी अच्छा सोचते हो और उसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हो, वैसे ही तुम अपने मन में एक विचारों की श्रृंखला से गुजरते हो। ये विचारों की श्रृंखला ही तुम्हें तुम्हारा भविष्य कैसा होगा ये दिखाती है। वो भविष्य जहां तुम्हारा मन तुम्हें लेके जाता है और दिखाता है कि तुम उन पलों में जब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो तो सुखी होगे, खुश होगे। इसे अंग्रेजी में हम माइंड मैप कहते हैं, जिसका मतलब है कि वो जगह जहां तुम पहुंच गए हो, तुम्हारा गंतव्य, जहां तुम्हारा लक्ष्य था, तुमने उसे प्राप्त कर लिया, उसको देख लिया, महसूस किया मन में और उसकी योजना बनाई। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हो और उसके लिए तुम्हारे हाथ में कोई एक नक्शा दे दे और फिर तुम सपने सजाते हो कि वो लक्ष्य जब तुम गंतव्य पर पहुंच जाओगे, जब तुम उस दूसरे शहर में पहुंच जाओगे तो तुमको कैसा आनंद महसूस होगा। पर जब तुम यात्रा पर निकलते हो किसी शहर से दूसरे शहर के लिए और तुम्हारे हाथ में नक्शा होता है तो दो चीजें पक्की कर लेना बहुत जरूरी है। पहली तो वो वाहन जिससे कि तुम यात्रा करने वाले हो और दूसरी वो रास्ता
जिससे होकर, जिससे गुजरकर तुम दूसरे शहर पहुंचोगे। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वाहन तुम अपने यात्रा के लिए चुनोगे वो वाहन पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। उसका ईंधन, उसका इंजन, सारी चीजें तैयार होनी चाहिए, जिसमें कि बिना रुकावट के तुम अपने गंतव्य, जो कि दूसरा शहर है, वहां पहुंच सको। दूसरी बात, वो रास्ता जो तुम चुन रहे हो अपने गंतव्य के लिए, वो कितना सुरक्षित है। और तीसरी बात जो कि सोचने लायक है, वो ये है कि जब कभी भी हमारे हाथ में कोई भी नक्शा आता है, हम उसमें शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं कि हम किस तरह जल्द से जल्द उस गंतव्य, वो दूसरे शहर तक पहुंच जाएं, और वो भी बहुत सुरक्षित। इसका मतलब है हमारी कार, हमारा वाहन सुरक्षित होना चाहिए। जो रोड, जो मार्ग हम चुनने वाले हैं, जो रास्ता हम चुनने वाले हैं, जिससे हम गुजरने वाले हैं, वो सुरक्षित हो। तो ये तो हुई बात जब हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना है। पर जब इसी बात को तुम अपने जीवन में देखोगे, तो ये पाओगे कि वो वाहन, वो कार कोई और नहीं, तुम हो। और जिस दूसरे शहर तुम जाना चाहते हो, वो कुछ और नहीं, एक प्रकार से तुम्हारा लक्ष्य है। बीच में जो रास्ता तुम्हें नजर आता है, वो वही विचारों की श्रृंखला है, वही योजना है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक लेके जाएगी। तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या वो वाहन जरूरी है? क्या वो रास्ता, वो योजना जरूरी है? या फिर वो लक्ष्य जहां तुम पहुंचना चाहते हो वो जरूरी है? और तुम पाओगे कि लक्ष्य का होना या फिर योजना का होना इस बात पर आधारित है कि तुम इस वक्त किस स्थिति में हो। इसलिए मुझे पूछना पड़ेगा, तुम किस स्थिति में हो? तुम कैसा महसूस करते हो इस पल में, अभी? क्या तुम्हारे पैर कांपते हैं? क्या तुम डगमगा रहे हो? क्या तुम्हारी मानसिक अवस्था, तुम्हारा मनोबल गिरा हुआ है? बिल्कुल उस कार की तरह जिसमें ना इंजन है ना पेट्रोल, वो किस तरह सफर तय करेगी और पहुंचेगी दूसरे शहर, ये सोचने की बात है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति अगर डगमगा रही है, तो तुम कैसे हासिल करोगे अपना लक्ष्य? भूल जाओ योजना को, और भूलना पड़ेगा तुम्हें अपना लक्ष्य, अगर तुम्हारा आज तुम नहीं साध सकते, अगर आज तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। लक्ष्य तो कोई भी बना सकता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं गोल्स, हर कोई बना सकता है, पर उस तक पहुंचने की तैयारी बहुत कम लोग करते हैं। और यदि तुम्हारी तैयारी तुम्हारे वर्तमान में नहीं है, तो उस लक्ष्य तक तुम्हारा पहुंचना नहीं हो पाएगा। यह तुम्हें भली भांति पता है कि लक्ष्य बनाने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। लक्ष्य तो ऐसा है कि जिसके मन में जब जो आ जाए, वो अपना वैसा लक्ष्य बना ले। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कभी ये भी सोचते हैं कि लक्ष्य तो बना लिया, पर क्या इसे हासिल करने के बाद में मुझे खुशी मिलेगी, मुझे सुख मिलेगा,
क्या मैं आनंद महसूस करूंगा? ये सोचने वाली बात है। अगर तुम थोड़ा भी जीवन को बिल्कुल पास से देखोगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि हर लक्ष्य भविष्य में होता है और हर चीज जो कि भविष्य में है किसी ना किसी तरह का लक्ष्य होती है। फिर वो चाहे सवेरे 4 बजे उठना ही क्यों ना हो, फिर वो चाहे शाम को किसी से मिलना ही क्यों ना हो, भविष्य में है और एक लक्ष्य है। छोटे से छोटी चीज जो कि भविष्य में है वो किसी ना किसी रूप में एक लक्ष्य है। तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए अपने जीवन में, रोजाना जिंदगी में ये जानने की कि सवेरे से शाम तक हर चीज जो तुम करते हो और जो कि तुम्हारे छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, जब उनकी तुम्हें प्राप्ति होती है तो क्या तुम्हें सुख मिलता है, क्या तुम्हें दुख मिलता है, क्या तुम आनंद से भर जाते हो या फिर संताप तुम्हें घेर लेता है। और इससे तुम्हें यह पता चलेगा कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद क्या महसूस होगा या जीवन कैसा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुमने देखा होगा बहुत से लोग बहुत ऊंची ऊंची पदवियों पर बैठे हैं, कई उनमें से बहुत अमीर हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं उनके, पर जब भी तुम इन्हें देखोगे तुम पाओगे कि उनके माथे पर शिकन है, माथे से पसीना बह रहा है, किसी प्रकार की परेशानी उन्हें घेरी हुई है। तुम्हें क्या लगता है, क्या इन लोगों ने लक्ष्य नहीं बनाया था और क्या ये अपने गंतव्य पर अभी भी नहीं पहुंचे? और अगर पहुंच गए हैं तो फिर ये सुख की अनुभूति क्यों नहीं कर पा रहे, इन्हें आनंद क्यों नहीं मिला, ये अपने जीवन में खुश क्यों नहीं है? तो कुछ बातें तो साफ हुई। पहली कि अगर तुम अभी तैयार नहीं हो और तुम्हारे पैर अभी डगमगाते हैं तो योजना का कोई मतलब नहीं, लक्ष्य का कोई मतलब नहीं। दूसरी बात कि अगर लक्ष्य हो भी और तुम इसे पा भी लो तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आ जाएगी, क्योंकि तब के हालात बदल सकते हैं और बहुत अलग हो सकते हैं। तुम्हारा मन या तो भूत में या भविष्य में जीता है, या तो पास्ट में या फ्यूचर में जीता है, पर तुम्हारा होना इस पल में है। तुम्हारा सारा का सारा एग्जिस्टेंस, तुम्हारा पूरा का पूरा अस्तित्व इस पल में है, जबकि मन भूत और भविष्य में। जिस पल में तुम हो तुम उस पल को नजरअंदाज करते हो और अपने मन में बीते हुए कल की यादें और आने वाले कल की योजना और लक्ष्यों की प्राप्ति की आकांक्षा रखते हो। तुमने देखा होगा कि जब तुम छोटे थे, बच्चे थे, तुम्हारे बचपन में बहुत सी ऐसी चीजें थीं जो तुम नहीं कर सकते थे, तो तुम सोचते थे कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो वो सारी चीजें तुम कर सकोगे। लक्ष्य तुम्हारे तब भी थे, फिर तुम बड़े होते हो और तुम और आगे देखते हो कि जब तुम्हारे पास पैसा होगा, पदवी होगी, तो शायद जिंदगी में सुकून आ जाए। और एक दिन वो भी आता है जब तुम पैसा
कमा लेते हो और तुम्हारे पास वो बड़ी पदवी भी होती है, लेकिन सुकून दूर दूर तक नहीं रहता। साथ ही तुम शादी करते हो, बच्चे करते हो, बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादियां, उनके बच्चे, करते करते तुम कुछ 60-70 वर्ष के हो जाते हो, पर सुकून अभी भी नहीं मिला। तो फिर एक नया लक्ष्य सामने नजर आता है, आध्यात्म का, कि चलो अब राम नाम जप लें, अब जप जी कर लें, क्योंकि अब मौत आती है करीब, अब तो जाना निश्चित है। निभा ली सारी जिम्मेदारियां, पर सुकून नहीं पाया। पा लिए सारे लक्ष्य, पर सुकून अभी भी नहीं। और सताता है एक अकेलापन अंदर ही अंदर, मौत का डर। और अब जाना होगा अकेले, छोड़कर सारे लक्ष्य, और जो जाएगी साथ वो है उन लक्ष्यों की प्रीति। पर ये कैसी प्रीति, जो दुख और संघर्ष से भरी हुई है, जिसमें कभी आनंद नहीं मिला। शायद वो ईश्वर की भक्ति से स्वर्ग मिल जाए। और कुछ तो ये भी सोचते हैं कि इस जन्म ना हो सका तो अगले जन्म में कर लेंगे। तुम कॉन्फिडेंस देखते हो कि आज नहीं हुआ तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों। अभी क्या करना है बच्चू, अभी तो जीना है बरसों। और अगर ना कर सके इस जन्म में तो आ जाएंगे अगले जन्म में बच्चू। पर तुमने इस चीज पे गौर किया कि तुमने अपनी आदत नहीं बदली इस पूरे जीवन काल में। तुमने अपना पल पल गवाया कल के चक्कर में। तुमने अपने पल पल को गिरवी रखा कि कल तुम्हारा सुखद हो। पर देखा तुमने, सुख और दुख कुछ पलों में आए, जबकि जीवन भर संघर्ष, दुख और संताप चलता रहा। और ये आदत जिसमें तुम कल पर अपने आज से ज्यादा भरोसा करते हो, यही तुम्हें ले डूबी। जबकि जिन लोगों ने इस पल को साधा, उन्हें फिर ना फिक्र रही बीते हुए कल की और ना आने वाले कल की। फिर उन्होंने जो लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य तक वो पहुंचे। और क्यों पहुंचे? क्योंकि उनके पैर इस पल में नहीं डगमगाए। इस पल में उनकी पूरी तैयारी थी। पर यहां मैं तुमको देखता हूं, तुम्हारे पैर अपनी जगह पर डगमगा रहे हैं। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी। मैं ये क्यों कह सकता हूं? क्योंकि तुमने बात की लक्ष्य की, और लक्ष्य मतलब भविष्य। इसका मतलब है तुम आज में सुख और खुशी महसूस नहीं करते। तुम्हारा आज संताप, दुख और संघर्ष से भरा हुआ है। इसी से बाहर आने के लिए तुम बनाते हो एक लक्ष्य और बनाते हो उसकी योजना। तो ये सारी बातें इसी ओर इशारा करती हैं कि तुम आज में अपूर्ण हो। तुम्हारे आज में तुम बहुत सी कमियां देखते हो, और इन्हीं कमियों की भरपाई के लिए तुमने लक्ष्य बनाए हैं। पर याद रखो, जो आज अपूर्ण है वो आगे भी अपूर्ण होगा, जो आज अधूरा है वो कल भी अधूरा होगा, जो आज आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है वो कल भी आत्मविश्वास की कमी ही महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कल आज से निर्मित होता है, तुम्हारा अगला पल इस पल से निर्मित होता है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा आने वाला कल आसमान से गिरेगा? नहीं, तुम्हारा हर पल, तुम्हारा भविष्य
कि निर्माता तुम खुद हो। और कल पर बोली लगाने वाले अक्सर आज को खो बैठते हैं। तुमने उस गधे को देखा होगा जिसके सामने गाजर टंगी होती है। वो हर बार एक दिशा में दौड़ा जाता है जिस दिशा में उसे गाजर नजर आती है, और एक दिन आता है कि वो गाजर खा लेता है, पर उसके बाद भी सुख उसे कहीं दिखाई नहीं देता, पेट उसका कभी नहीं भरता, और उसके सामने एक और गाजर आ जाती है। क्या यह कहना सही नहीं होगा कि वो गाजर तुम्हारा लक्ष्य है और वो गधा तुम स्वयं समझदार हो कि वो कौन है? इसलिए यदि तुम अपने वर्तमान क्षण में दुखी हो और अपने जीवन को ठीक करने के लिए अपने भविष्य पर ज्यादा भरोसा कर रहे हो, तो फिर तुमको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम आज दुखी होने को तैयार हो कल की खुशी के लिए, कल की खुश रहने की उम्मीद में। फिर मुझे कहना पड़ेगा कि तुमको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारा आज भी तो कल की ही किसी योजना का परिणाम है। तुम्हारा आज भी तो किसी प्रकार का लक्ष्य रहा होगा पहले, जिसे तुमने आज हासिल कर लिया। पर देखते हो अपनी हालत, अभी भी दुख, संताप, पीड़ा से घिरे हुए हो, और फिर एक कामना कर रहे हो कि आगे आने वाले भविष्य में सब ठीक हो जाएगा। इससे तुम्हें क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं तुमने आलस दिखाया है? जो कमजोरियां कल थीं, वो आज भी दिख रही हैं, और तुम्हारे आलस्य की प्रैक्टिस, तुम्हारे आलस का अभ्यास इतना पुख्ता है कि तुम्हें दिखता भी नहीं कि तुम अपने लक्ष्यों के प्रति, अपनी योजनाओं के प्रति, अपने इस पल के प्रति कितने सोए हुए हो। तुम्हारा हर पल तुम्हारे भविष्य को निर्धारित कर रहा है। तुम्हारा हर कर्म इस पल में तुम्हारे कल को जन्म दे रहा है। और तुम क्या कर रहे हो इस पल में? क्या तैयारी है तुम्हारी इस पल में? तुम अपने आप में दुख को महसूस कर रहे हो, असंतोष को महसूस करते हो, और जब तक तुम असंतोष और दुख अपने पल में महसूस करते रहोगे, तुम्हारा भविष्य भी इन सब से ही भरता जाएगा। तुम्हें चाहिए कि तुम इस पल को साधो, कि तुम इस पल में खुश रह सको, कि तुम इस पल में संतोष महसूस करो, आनंद महसूस करो, और इस पल में अपने आप को अधूरा ना समझ के पूर्ण समझने की कोशिश करो। इस पल को इतना ताकतवर बना दो कि आने वाले पल अपने आप लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चल पड़े। जिस प्रकार ताश के पत्ते एक दूसरे से टिकाकर खड़े कर दिए जाते हैं एक कतार में, और जब एक ताश का पत्ता गिरता है तो वो सारे पत्तों को एक ही दिशा में गिरा देता है, उसी तरह तुम अपने आज को, अपने इसी पल को इतना मजबूत करो, इतनी तैयारी रखो और अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करो कि तुम्हारा आने वाला अगला पल और कल दोनों ही तुमसे राजी हो जाएं। अभी जीवन में है संघर्ष, अभी जीवन में है दुख, संताप, और यही दशा तुम्हारी, तुम्हारी दिशा चुन रही है, और तुम्हारी दिशा भविष्य चुन रही है।
इस दिशा को तुम मोड़ सकते हो आज और अभी, और इसके लिए तुम्हें बदलना होगा अपनी वर्तमान दशा को। लेकिन उसके लिए तुम्हें रहना होगा अभी में। जैसे कि मैंने कहा कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा वाहन कितना तैयार है, उसी प्रकार तुम्हारा इस पल में तैयार होना जरूरी है। भविष्य की महान आकांक्षा रखना बहुत आसान है, पर आज की स्थिति को संभालना हो सकता है कठिन लगे, पर प्रयास करो, साधो अपने इस पल को, क्योंकि तुम्हारा कल तुम्हारे अंदर से इस पल में जन्म लेता है। इसलिए यह बात बहुत जरूरी हो जाती है कि तुम आज इस पल को पूर्ण सफलता, प्रेम, संतोष और आनंद से जियो। हो सकता है तुम्हारी परिस्थितियां अनुकूल ना हो, पर ऐसे बहुत से लोग जन्म लेते हैं जिनकी परिस्थितियां तुमसे भी खराब हैं। पर तुम्हें सोचने के लिए तो कोई नहीं रोक रहा ना, सोच तो तुम सकते ही हो। अंग्रेजी में एक कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट, जिसका मतलब है जिंदगी में कुछ ना भी हो तो भी उन चीजों के प्रति इस पल में सजग हो जाने से वो चीजें अपने आप जीवन में रूप लेने लगती हैं। ये साइकोलॉजिकल तरह से, मनोवैज्ञानिक रूप से आधारित बात है कि तुम जिस चीज के बारे में हर पल हर समय सोचने लग जाते हो, तुम वैसे होते चले जाते हो। तुम्हें जरूरत है कि अब तुम कुछ जिम्मेदारियां लो, अपने वर्तमान को बर्बाद करना बंद करो और सही मानसिकता, भावनाएं, कार्य और व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करो। ये चार ही वो गारंटी है जो कि तुम खोजते हो, और ये चार के कारण ही तुम्हें तुम्हारी लक्ष्य प्राप्ति के बाद सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। अब दूसरी बात, तुमने कहा कि रोज किसी ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो, हर पल किसी ना किसी प्रकार के मोटिवेशन के लिए तुम्हारे अंदर एक असंतोष सा है, और हर मोटिवेशन, हर प्रेरणा कुछ दिनों में फीकी पड़ जाती है। भले ही तुम गुरुओं को सुनो, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो, किताबें पढ़ो पर्सनल डेवलपमेंट की, सब कुछ दिनों में फीका पड़ जाता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। इससे मुक्ति कैसे पाए? मनोबल की कमी, इच्छा शक्ति की कमी, और जीवन में कुछ भी काम करने के लिए अंदर से प्रेरणा ना आना, मोटिवेशन ना आना, ये सारी की सारी स्थिति तुम्हारे वर्तमान को टालने की आदत की वजह से है। तुम्हें जीने की जगह सपना देखना पसंद है। ये बिल्कुल उसी शेर की तरह है जो पेड़ के नीचे सो रहा है और एक सपना देखता है कि उसने एक हिरण का शिकार किया, लेकिन वो जब शाम उठता है तो भूखा ही रह जाता है, क्योंकि दिन उसने देखा एक सपना, परंतु ना उसने कुछ कार्य किया सिवाय सपना देखने के, और उसके अंतरात्मा से कोई इच्छा शक्ति जागी ही नहीं, कोई प्रेरणा आई नहीं, ना उसका मनोबल था कि वो उठता और शिकार करता, बस बैठा रहा पेड़ के नीचे और देखता रहा एक सपना। जैसे कि मैंने कहा कि भविष्य में हर चीज किसी ना किसी प्रकार का लक्ष्य है, यहां तक कि वो पास में पड़ा हुआ ग्लास जिसमें पानी है
उसको हिलाना और उसको अपने पास तक लाना और वो पानी पीना भी एक लक्ष्य है। उसी प्रकार तुमने देखा होगा कि तुम्हारे दिन भर की दिनचर्या में तुम जो कुछ भी काम करते हो उस काम के लिए तुम्हारे अंदर कोई ना कोई प्रेरणा होती है, भले ही वो बहुत छोटे तल पे हो, पर वो इच्छा शक्ति, वो प्रेरणा तुम्हारे अंदर होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि तुम्हें पता होता है कि ये लक्ष्य प्राप्त करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खुशी होने वाली है, थोड़ा बहुत संतोष मिलने वाला है। जैसे कि वो सवेरे का उठना और वो चाय का पीना, ये भी एक प्रकार का मोटिवेशन है, ये भी एक प्रकार की प्रेरणा है जो कि सवेरे उठते से ही तुम्हारे मन को घेर लेती है कि जब मैं वो चाय पीऊंगा तब मुझे जो सुख मिलने वाला है, जो आनंद की प्राप्ति होने वाली है, उसका क्या कहना। या फिर वो दोपहर का खाना या शाम को किसी दोस्त से मिलना, जो आनंद की प्राप्ति तब होगी उसको सोच सोच के तुम उस दिन कितना खुश रहते हो, ये भी तो एक प्रकार का मोटिवेशन ही है। ये एक प्रेरणा है जो तुम्हें भविष्य में, जो कि शाम को उस दोस्त से मिलना है, उसको प्रेरित करती है और तुम्हें तुम्हारे विचारों की श्रृंखला में एक संतोष, एक खुशी का एहसास इस पल में दे देती है। तुम्हारे मन और विचार दोनों ही भविष्य की ओर आकर्षित हैं और तुम्हारे दिन भर के कर्म किसी ना किसी तल पे, छोटे से छोटे तल पे प्रेरणा का ही फल है। तुम्हें क्या लगता है कि कोई किताब, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, इनको सुनना और इनको सुनने के बाद तुम्हारा जीवन अचानक बदल जाएगा? और जिस नींद में तुम बरसों से खोए हुए हो, भविष्य की नींद, पुरानी बीती यादें, उससे तुम बाहर आ जाओगे? मोटिवेशनल स्पीकर, कोई गाइड, मोटिवेशनल किताबें, ये सब तुम्हें एक बेहतर नींद दे सकती हैं, पर जागरण नहीं। ऐसा समझो कि कल तक तुम्हें जो सपना आता था उसमें तुम एक भिखारी जैसे थे और अब जो तुम्हें सपना आएगा उसमें तुम एक अमीर आदमी की तरह दिखोगे। पर ये दोनों ही भ्रम है, ये दोनों ही सपने हैं, इनमें जागरण की कोई बात नहीं। सभी किताबें, मोटिवेशनल स्पीकर और तुम्हारे गुरुओं, जिन जिन के पास तुम गए हो, उनने किसी ना किसी प्रकार की तुम्हें विधि दी है, कोई ना कोई तरीका बताया है अपने आप को बदल लेने का, पर तुम अपने आप को असफल ही पाते हो। उसका कारण यह है कि वो सारे भी बदलने की बात करते हैं और बदलना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं बदलने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। इस पल के प्रति अगर तुम जाग गए, तुम बदलो या ना बदलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगर किसी पेड़ की जड़ों में रोग हो जाए और तुम उसके पत्तों का इलाज करते रहो तो जल्द ही वो पेड़ मर जाएगा। ऐसी ही हालत कुछ तुम्हारी है। तुम बाहर से मोटिवेशन लेके अपने जीवन को सुधारने की कामना करते हो, जबकि रोग तुम्हारा इस पल में असंतोष है। कब पूरा महसूस करोगे? कब तक अपने आप को अधूरा ही समझते रहोगे? जिस प्रेरणा को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, जिस मोटिवेशन को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, यह अगर बाहर से आई तो किसी काम की नहीं होगी। एक प्रकार का छलावा कि तुम एक किताब पढ़ के बड़ा सुख महसूस करते हो, वो किताब के अक्षर तो किताब में ही रह जाते हैं, उसकी भावना तुम्हारे अंदर आ जाती है, कुछ पलों के लिए तुम मनोरंजित हो जाते हो, लेकिन
जब वापस लौटते हो इस संसार में, तो तुम जहां के तहां ही पाते हो वही दुख, वही संताप। इसलिए तुम्हें रोज कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर या नई नई किताबें पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि तुम रोज हताश महसूस करते हो। जिस प्रकार स्वास्थ्य तुम्हें बाहर के किसी इंजेक्शन से नहीं दिया जा सकता, स्वास्थ्य तो शरीर के अंदर से आता है, उसी तरह प्रेरणा भी तुम्हारे अंदर से आती है, मोटिवेशन भी तुम्हारे अंदर से आता है। बाहर का दिया हो मोटिवेशन किसी काम का नहीं। बाहरी मोटिवेशन, बाहरी प्रेरणा तुम्हारे मन को कुछ समय के लिए रोमांचित करती है, एक नए सपने, एक सुनहरे सपने के लिए जहां तुम अपने आप को देख पाते हो। पर इससे तुम्हारे पल में जीने की सच्चाई नहीं बदलती, क्योंकि ये सच्चाई सिर्फ तुम बदल सकते हो। लेकिन तुम इस पे जरा भी गौर नहीं करते और एक मीठे सपने की तरह इन मोटिवेशनल किताबों को, इन प्रेरणा से भरे हुए व्याख्यानों को सुनते चले जाते हो। ये प्रेरणा तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए, ये मनोबल तुम्हारा भीतर से आना चाहिए, ये इच्छा शक्ति अंतरात्मा से जागृत होनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब तुम अपने इस पल में पूर्णता महसूस करो, इस पल में अपने आप को मजबूती से तैयार रखो, यथार्थवादी बनो, वास्तविकता देखो। जिस तरह तुम अपने इस पल को रोज हर पल खो रहे हो, ये भी बीत जाएगा। जो लक्ष्य तुम बना रहे हो, वो मिले ना मिले, एक दिन वो भी आएगा कि वो भी बीत जाएगा। और ये पल बीतते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी बीत जाओगे। आज एक प्रण लो कि तुम इस पल के प्रति जागोगे, उस हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। तालमूद नामक यहूदी रब्बियों की एक कथा बहुत प्रचलित है, जिसमें यह कहा जाता है कि जब तुम मरोगे और ईश्वर के पास जाओगे, तो ईश्वर तुमसे यह ना पूछेगा कि तुमने कितनी गलतियां की, क्योंकि गलतियों का हिसाब ईश्वर नहीं रखता। पर तुमसे ये जरूर पूछा जाएगा कि मैंने तुम्हें संसार में इतने पल दिए, तुमने उसका लुफ्त क्यों नहीं उठाया, उसका रस क्यों नहीं पिया, उस हर पल को क्यों नहीं जिया। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने हर पल का स्वाद लो, चखो इस पल को, जानो, जागो इस पल में, तैयारी रखो, जियो इस पल को इतनी पूर्णता से कि तुम्हारा आने वाला भविष्य बदल जाए, तुम्हारा आने वाला भविष्य तुम्हारे अनुरूप हो जाए और तुम्हारे अंदर जीवन जीने के लिए प्रेरणा तुम्हारी अंतर आत्मा से आए, ना कि किसी मोटिवेशनल स्पीकर या किसी और किताब से आए। जब तुम्हारा मन हुआ नाचने का, तो तुमने कहा अभी नहीं नाचेंगे, कल नाच लेंगे। जब तुम्हारा मन हुआ किसी अच्छी पेंटिंग को बनाने का, तुमने कहा आज नहीं बनाएंगे, कल बना लेंगे। जब तुम्हारा मन हुआ अच्छा संगीत सुनने का और आनंद लेने का, तुमने कहा आज नहीं सुनेंगे, कल सुन लेंगे। इसी तरह तुम्हारा हर लक्ष्य भविष्य में पहुंचता रहा और तुम्हारा आज दुख और संताप से भरता गया। और तुम्हारा कल भी तो आज ही होके आएगा। तो अगर तुम नाचे आज, तो तुमने अपना नाच कल को दे दिया। अगर तुम प्रसन्न हो आज, तुमने अपनी प्रसन्नता कल को दे दी। अगर तुम आज जागृत हो, तो तुमने अपना जागरण कल को दे दिया। अगर तुम आनंदित हो अभी, तो तुमने अपना आनंद कल को दे दिया।
जो कुछ भी तुम करोगे इस पल में यही निर्धारित करेगा कि तुम्हारा कल कैसा होगा, तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, तुम्हारे लक्ष्यों की पूर्ति होगी कि नहीं और उनके आगे तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी कि नहीं। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुनने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। और जानकारी के लिए विजिट करें woofalife.com यानी woofalife.com।